दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo T1 Pro 5G स्मार्टफोन वर्सेस Realme 9 ऐसी 5G स्मार्टफोन के बीच में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Vivo के अंदर हमें 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले चाहिए कंटेंट वॉचिंग प्लस गेमिंग के हिसाब से तब आप यहां पर Vivo की तरफ जरूर से जाइए, लेकिन दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले चाहिए भाई मेनली और मेनली गेमिंग के हिसाब से तब आप यहां पर यार Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है भाई, एकदम स्मूथली गेमिंग चलेगी आपकी। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहां पर Vivo का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि फनटच 12 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन Android 11 के साथ में आता है जो कि Realme UI 2.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर भाई Vivo का फोन ही बढ़िया है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें चिपसेट की तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें Snapdragon 778G 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से भाई साहब ये चिपसेट एकदम बढ़िया है, लेकिन दोस्तों अगर आपको प्रो वाली गेमिंग के हिसाब से चाहिए तब Realme की तरफ जरूर से जाइए। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एंटूटू स्कोर की तो दोनों स्मार्टफोन का हमें 5,60,000 के करीब करीब देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा स्कोर है। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर भाई Vivo का फोन ही बढ़िया है। और यहाँ जरा Realme का देखना, 2 का मैक्रो, 2 का ब्लैक एंड व्हाइट, कोई अल्ट्रा वाइट, कोई कुछ नहीं, मतलब फुल टू फुल पैसे बचाए हैं भाई इन्होंने यहाँ पर। और अगर हम बात करें हम मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें यार यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन की तो भाई दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, OIS का कोई भी सपोर्ट हमें दोनों में से किसी ने भी नहीं दिया भाई, पैसे बचाए हैं यहाँ पे। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी की तो यहाँ पर Vivo का फोन 4700mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सिर्फ 30W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यहां पर बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों ही मामलों में Vivo का फोन ही विनर है। और अगर दोस्तों हम बात करें यहां 3.5mm जैक की तो हमें Vivo फोन के अंदर नहीं दिया गया है, पैसे बचाए हैं, लेकिन Realme फोन के अंदर हमें दिया गया जो कि एक अच्छी बात है भाई, गेमर्स के अकॉर्डिंग एक प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो Vivo फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में यहां पर भाई Vivo का फोन ही विनर है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Vivo फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 24,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, Vivo को या Realme को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर यार मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आप एक गेमर हैं और मेनली भाई गेमिंग के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहां पर भाई Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि काफी अच्छी गेमिंग करवा देगा भाई Realme का फोन आपको। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंटेंट वॉचिंग प्लस गेमिंग के हिसाब से ओवरऑल एक बढ़िया स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहां पर भाई Vivo की तरफ जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।